वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मोदी गाय। सो आज की इस वीडियो में मैं, आप तो देख ही पा रहे होंगे कि मैंने पूरा नेदरराइट आर्मर कंप्लीट कर लिया है डुप्लीकेशन ग्लिच की हेल्प से। और आज की इस वीडियो में मैं बनाऊंगा एक सीक्रेट बेस, जिसके लिए मुझे स्टिकी पिस्टन चाहिए थे जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिला। सो बस मैंने कुछ सामान को कलेक्ट कर लिया है एंड वैसे अब आरी आ चुकी है शाउट आउट की। आज का शाउट आउट जाता है हरीश रीज, मधुराजा आईटी को और राजश्री एंड आई सिंह को और दिल में गेमिंग को। आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आप कमेंट करें। वैसे आप ही मेरे मतलब कि मुझे अब माइनकार्ट बनानी होगी, तभी मैं माइनकार्ट विद हॉपर बना पाऊँगा। सो पहले मैं आयरन देखता हूँ कहाँ पर है। 25 आयरन इनगट। सो इसको लेके जल्दी से जल्दी एक माइनकार्ट बनाना होगा। बाकी रेसिपी अनलॉक हो चुकी है अपने आप का, इसे देख सकते हैं। सो अब माइनकार्ट विथ हॉपर बनाना है। मैं बेस इधर बनाऊँ या उधर पता नहीं। वैसे अब एक ये है ट्राइडेंट वाला बंदा, क्या नाम है इसका, ड्राउनर या क्या पता नहीं। वैसे अब एक गधा है, मैं इस पर माउंट करता हूँ। टैप स्नीक टू डिसमाउंट। ओके सो ये टेम हो गया दूसरी बार में। तो अब मुझे बेस बनाने के लिए एरिया ढूंढना होगा। ये बेस्ट बेस होने वाला है, बेस्ट सीक्रेट बेस अंडरग्राउंड वाला, क्योंकि ये पता ही नहीं चलता है, इतना ज़्यादा छुपा हुआ होता है। मोस्ट सेफेस्ट एंड सीक्रेट बेस कह सकते हैं इसको। सो यहाँ पे तो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं उधर बनाऊँ, लेकिन उधर बनाना ठीक नहीं रहेगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाएगा। इधर भी मैं बना सकता हूँ बट नीचे कुछ माइन शाफ्ट वगैरह है, वहाँ मैं लेकिन मिल जाऊँगा उसी से तो मतलब फ़ायदा नहीं होगा। सो या अब मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे बनाता हूँ। ओके सो मुझे शवल निकालनी होगी। शवल मेंडिंग वन लगी हुई है इस पर, तो मैं बाद में ज़ॉम्बियों को मार दूँगा और ठीक कर दूँगा इसको। वैसे हमें 4 गड्ढा करना है, 1 2 3 4। ओके सो दूसरी लेयर मैंने हटा दी है एंड अब ये तीसरी लेयर है एंड अब ये चौथी लेयर। आई गेस इतना में काम हो जाना चाहिए। सो पिस्टन्स मैंने 3 ले लिए हैं पिस्टन्स। तीन पिस्टन्स हैं मेरे पास, मैं तीनों को लगा देता हूँ। एक रेड स्टोन टॉर्च। सो गाइस मैंने यहाँ पर रेड स्टोन लाना भूल गया था मैं, तो मैं ले आया हूँ एंड मैं इसको 3 जगह पे लगाने के बाद एक कॉम्परेटर लगा देता हूँ। एंड अब मुझे लगाना है एक हॉपर। वैसे मैं डर्ट रख के चेक कर लेता, अब मुझे हॉपर लगाना है तो उससे पहले मैं एक हॉपर जल्दी से अटैच करके देखता हूँ। एंड जावा में तो अच्छे से शायद, या बेडरॉक माइनक्राफ्ट रियल में भी ये शायद वर्क करता है, बट यहाँ पे मुझे 3 पिस्टन्स का यूज़ करना पड़ा। ऐसे मतलब जो ट्यूटोरियल था उसमें बस 2 ही पिस्टन में काम चल गया था, 3 का गैप था, बट उससे हुआ ये कि बस एक ही ब्लॉक का मतलब गैप खुल रहा है। मैं वो भी ट्राई करके दिखा देता हूँ आपको। सो ट्यूटोरियल में था ऐसा। वैसे शाउट आउट टू बीबी ब्लॉक्स, मैंने उसी की वीडियो देखी है। आप भी अगर सर्च करिएगा सीक्रेट बेस हॉप विथ हॉपर बीबी ब्लॉक्स तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। सो मैं आपको दिखा देता हूँ ट्राई करके। मैंने यहाँ पे उसने रेडस्टोन कंपरेटर रखा था एंड वहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च।
तो आप देख सकते, एक सेकेंड, ओ शिट, मैंने गड़बड़ कर दी। मैं जब एडिट कर रहा था तब मुझे पता चला कि मैंने वहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च तो रखा ही नहीं। मतलब क्या मिस्टेक कर दी मैंने। चलो कोई बात नहीं, तब कर भी क्या सकते हैं। बाकी यहाँ पर मुझे टॉर्च लगाना है एंड फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स काम कर रही है। बात नहीं, मतलब वैसे मैंने ट्राई किया था, ये काम नहीं कर रहा था, मतलब दो पिस्टन्स में। अगर आपका, मतलब आपके फ़ोन पे काम कर रहा है तो बताना कमेंट्स में। सो अब मुझे इस हॉपर को अटैच कर देना है एंड यहाँ पे मुझे रखनी है माइनकार्ट। ओ शिट, मैं फिर से रेल लाना भूल गया। सो मैं रेल ला चुका हूँ एंड आप देख सकते हैं कि अच्छे से काम कर रहा है। बट ये सीक्रेट कैसे होगा, तो इसके ऊपर मुझे माइनकार्ट विथ हॉपर रखना होगा। एंड इसका काम आपने देखा होगा वुल फार्म में भी, कि मतलब ये ब्लॉक की ऊपर वाली चीज़ों को भी मतलब हॉप कलेक्ट कर लेता है। सो इसीलिए बस इसी के लिए इसका यूज़ है, बाकी इसका कोई भी यूज़ नहीं है। ये कोई फार्म वगैरह नहीं है। अब मुझे बस इसके मतलब पूरा छुपा देना है। एक सेकेंड, कुछ कुछ मतलब थोड़ा बहुत हॉपर दिख रहा है तो सीक्रेट नहीं रह जाएगा। तो ब्लॉक्स को माइन कर लेता हूँ मैं जल्दी से जल्दी। जल्दी से माइनिंग करनी होगी। 8 डर्ट में मेरा काम होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। वेल, मुझे सबसे ऊपर इन चीज़ों को रखना होगा। एक सेकेंड, यह तो मेरा एंट्रेंस है। इसको मैंने अगर मूर्खता कर दी इसको बंद करने की तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। सो बस अब मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे कुछ कुछ डर्ट वगैरह प्लेस कर देनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि मतलब ये बिल्कुल भी नॉर्मल लग रहा है। मैं एक पॉपी ला के इसके ऊपर लगा चुका हूँ, जिससे कि पता चलता रहे कि मेरा वो हॉपर का माइनकार्ट विथ हॉपर एक बस मार्क के लिए। एंड बाकी मैं इसको नॉर्मल बना देता हूँ, मतलब कि जिसके कारण ये लगे कि मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई है। बाकी मैं इसके ऊपर भी बाद में पॉपी लगा दूँगा। सो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा। तो स्टेयर वाली लुक नहीं आनी चाहिए इसमें गाइस। वैसे मैंने इसको नॉर्मल बनाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें प्लेस कर दी हैं एंड अब मैं डाल के देखता हूँ पिकैक्स। एक सेकेंड, क्या हुआ, एंट्रेंस खुला नहीं, कहाँ गया मेरा एंट्रेंस? लगता है कोई प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हुई? ओके गाइस, सो मैंने प्रॉब्लम को ठीक कर दिया है। अब मैं डाल के देखता हूँ सब दे। अरे अभी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, क्या हो रहा है? सो गाइस, मैंने अब श्योरली प्रॉब्लम ठीक कर दिया एंड मैंने पॉपीज भी लगा दिए। सो क्या बढ़िया से ये खुल रहा है, कितना सेफ बेस है ये। एंड बस अब यहाँ पे लैडर्स लगा देता हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट वीक मतलब कि इसका काम करते रहूँगा सीक्रेटली। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे घास वगैरह उग गई है एंड अब मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ अब ये कितना सेफिस्ट एंड सीक्रेट बेस लग रहा है। एंड हॉपर से आपको ऊपर आके हॉपर से सामान निकाल लेना है, बस बात ख़त्म हो गया। बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कुछ भी है। वैसे मैं इसको भी निकाल देता हूँ ताकि स्टेयर टाइप ना लगे। इधर लगा दूँ, किधर लगा दूँ?
एंड गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट तो कर ही दिया होगा, सो एंड कमेंट करने से आपको शाउट आउट मिलता है। सो बस, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फिर मैं कह देता हूँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द मूडी गाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।